राहगीरों से लूटने की योजना बना रहे अपराधियों को कोइलवर थाना पुलिस ने धर दबोचा। इस कांड में 3 अपराधी को कोइलवर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में जानकारी देते हुए कहा कि राहगीरों से बीती समय छीनतई की घटनाएं काफी ही बढ़ गई थी, जिसको लेकर कोइलवर थाना पुलिस काफी ही सतर्क थी और इसी क्रम में 3 अपराधियों को कोइलवर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस प्रशासन को उस समय बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर कोइलवर थाना पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। गुप्त सूचना के आधार पर अपराध में सम्मिलित गुड्डू यादव, संगू नट, अखिलेश नट की गिरफ्तारी के साथ ही लूटा गया 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल सेट, 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया गया, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने पत्रकारों को दी। कोइलवर थाना अंतर्गत 11 अगस्त को एक और डकैती घटना कागित हुई थी, जिसमें 7 की संख्या में अपराध कर्मी रोड पर लगातार आ रहे मोटरसाइकिल को लगातार छीनते हुए 3 मोटरसाइकिल को कुछ ही समय के अंतराल में उनके द्वारा छीन लिया गया था और कुछ मोबाइल सेट भी छीना गया था। तो इसमें सदर SDPO अजय कुमार के नेतृत्व में DIU की टीम को भी लगाया गया था और स्थानीय थाना प्रभारी इसमें टीम बना करके कांड के जल्दी उद्भेदन के लिए निर्देश दिया गया था। इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। घटना में शामिल 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से 1 अपराधकर्मी के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया, 3 गोली बरामद हुए, 1 खोखा बरामद हुआ है। कांड में लूटी गई 3 मोटरसाइकिल में से 2 मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया, 1 लूटा गया मोबाइल भी उसमें बरामद किया गया। कुल 3 मोटरसाइकिल और 9 मोबाइल उस घटना में लूटा गया था। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। जो पकड़े हैं अपराधकर्मी उनसे पूछताछ के क्रम में अपराधकर्मियों के बारे में भी पता चला है, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जाए।